मजबूत विपक्ष किसी भी देश में होना जरूरी है। विपक्ष एक तरह से सरकार पर पहरेदारी का काम करता है। यदि सरकार कहीं गलत कर रही है तो उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन विपक्ष यदि ऐसी भूमिका में नहीं है तो वह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। पिछले दिनों नेताओं के कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया गया। विपक्ष के नेताओं ने एक बात कही है जिसे वे आज भी टीवी चैनलों में कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गलवान की घटना के बाद अपने संबोधनों में चीन का नाम नहीं लिया। यदि प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनने के बाद भी नेता ऐसा कहते हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी बेहद कम जगहों पर पाकिस्तान का नाम लिया। यह उनके सीधे संदेश देने का और अपनी बातों को वजनदार बनाने का तरीका है। कई नेताओं ने इस बात को कहा है। पहले देखिए उन नेताओं के बयान। कुछ ख्याति प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार भी यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया। अब हम आपको बताते हैं कि चीन का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान की झड़प के बाद कब लिया है। चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। दरअसल बार बार चीन का नाम न लेना डिप्लोमेटिक तरीका भी है। इस पर सवाल उठाना मतलब राजनीतिक मंशा को पूरा करना कहा जा सकता है। गलवान झड़प के मामले में प्रधानमंत्री से लेकर देश के रक्षा विशेषज्ञों ने भी यह बात साफ की है कि एलएसी पर यानी विवादित क्षेत्र में यह घटना हुई है। इस पर पूर्व में समझौता भी हुआ है जिसके तहत दोनों ही देश इस जगह पर कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे, लेकिन नेता इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये समझौता यूपीए के शासनकाल में हुए थे। इसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी मांगे गए। देश के प्रधानमंत्री सहित रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की थी, लेकिन कई नेताओं ने इस बात को तब तक नहीं माना जब तक पाकिस्तान ने इसकी पुष्टि नहीं की। राजनीतिक रूप से पटखनी देने के लिए सच्चाई के साथ सामने आना चाहिए, वैसे भी सच्चाई खुद ही सामने आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।